Alright friends, because of the rainy seasons, you can find some creepy noise which is coming from behind, but just ignore it when we move on to the chapter today. So today we have seen past indefinite or past simple tense. Past indefinite or past simple tense. इसको आप यूज कर सकते हैं, कब यूज करते हैं आप, जैसे मैं किया, गया, हुआ, लिया, दिया, दीज, ओके। सबसे पहले आता है इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किया, गया, हुआ, लिया। फॉर्मूला एक सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा था सब्जेक्ट प्लस डू और डज। सिंगुलर के लिए हम डज लेते थे, प्लूरल के लिए हम डू लेते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है डिड, सो बाय डिफॉल्ट विल बी टेकिंग डिड फॉर सिंगुलर ऑल्सो एज वेल एज फॉर द प्लूरल। तो इफ आई से मैं एक आम खाया, करेक्ट, कोई काम है जो मैंने किया, पास में किया, कब किया आप ये नहीं बता सकते, बिकॉज नाम से समझ आ रहा है इंडेफिनिट टेंस। सो कोई काम है जो पास्ट में हुआ लेकिन कब हुआ ये आप नहीं बता सकते, करेक्ट। सो मैं एक आम खाया, द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई डिड ईट अ मैंगो, या सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। वी टू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। So I ate a mango. So just in case if you can't remember the second form of the verb immediately, instantly generally याद नहीं होते हैं, थोड़ा time लगता है वो आपके तीनों form को समझने में, याद करने में। उस केस में अगर आपको second form of verb नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप simply first formula के हिसाब से did लगाइए, और verb का first form तो almost सब किसी को याद रहते रहता है। Eat मतलब खाना, go मतलब जाना, correct, come मतलब आना, ये आपको पता ही है। तो आप did helping verb लगा के फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से, आप इस फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से आप बना सकते हैं, करेक्ट। नाउ इफ यू सी द नेगेटिव ऑफ इट, सो द फॉर्मूला से सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप ये पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, करेक्ट। यू कैन नॉट से आई नॉट एट अ मैंगो, सो यू हैव टू से लाइक दिस, करेक्ट। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट कंप्लीट, आई डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, लाइक दिस। Then comes the interrogative. Interrogative को पता है, interrogative हमेशा दो बनते हैं, एक affirmative का बनता है और एक negative का बनता है। So affirmative का interrogative simply interrogative हमको क्या करना है आपको पता है, helping verb को पहले ले आइए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, एंड इट विल ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन मार्क, ओके। तो यहाँ पे helping verb पहले आ गया did plus subject then verb then object, ओके। So did I eat a mango, क्या मैं एक आम खाया, negative interrogative, did plus subject plus not for verb plus object, did I not eat a mango,